इसे बनाने के लिए मैंने सब कुछ इधर अरेंज कर लिया है। ये मिरर मैंने अमेजोन से मंगाया था, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। हियर आई एम यूटिलाइजिंग ए केक ट्रे इंस्टेड ऑफ ए एमडीएफ बोर्ड। दिस इज माई फर्स्ट ट्राई, सो आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई मनी। पहले जेसो से इसको फुल कवर कर लेंगे धीरे धीरे। लेट इट कम्प्लीटली ड्राई। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है इसमें मार्किंग करना। ठीक सेंटर पे मैंने एक मार्किंग कर ली है क्योंकि मुझे इस मिरर को यहाँ पे अटैच करना है। मैंने इसके ऊपर डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दिया था। पहले मैंने कुछ भी डिज़ाइन नहीं सोचा था, उसके बाद मैंने सोचा जो भी होता है देखा जाएगा। फिर मैंने सेम डिस्टेंस में पेटल ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। मेरा डिज़ाइन पूरा कंप्लीट हो गया, अभी हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। अभी मैं इस मिरर को ग्लू की मदद से यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। उसके बाद मैंने ले लिया है फेविक्रिल का मोल्डेड क्ले। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको यूज़ करेंगे। अभी हम इसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन कट कर लेंगे और उसके मदद से एक लंबा लंबा स्टिक जैसा बनाएंगे। इस स्टेप में नेसेसरी है एक स्पॉन्ज का मदद लेना। स्पॉन्ज की मदद से इसका सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। मैंने अपने हाथों से जितना हो सके उतना ही ट्राई किया। फिर हम ग्लू की मदद से इसको डिज़ाइन के ऊपर अटैच करते जाएंगे। वाह, मुझे अभी से ये अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके बना रही हूँ और अटैच करते जा रही हूँ। मेरा क्ले का स्टिक बार बार टूट रहा है क्योंकि मेरे पास जो स्पॉन्ज नहीं है, इसीलिए इसका सरफेस उतना स्मूथ नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी स्टार्ट जो किया तो कंप्लीट तो करना ही है। धीरे धीरे मैंने पूरा कवर कर लिया है इसको अटैच करना। एक प्लास्टिक नाइफ के मदद से मैंने इसके ऊपर डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दिया है, इससे ये और भी सुंदर दिखता है। मुझे बहुत खाली सा लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा करके ले लिया और उससे पेटल शेप बनाकर इसमें अटैच करना स्टार्ट कर दिया। लो हो गया ये कंप्लीट। अभी बारी है इसमें कलर करने की। मैंने रेड कलर से पूरा पेटल्स को कवर कर लिया है। अभी मैं बाहर की तरफ ग्रीन कलर अप्लाई कर रही हूँ। जो खाली पार्ट है वहाँ पे मैंने येलो कलर अप्लाई कर दिया। अभी आता है लिप ऑन आर्ट की मेन चीज़, वो है इस मोल्ड को कलर करना। यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर से इस मोल्ड को कलर करना स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद हम ग्लू से जो भी मिरर है वहाँ पर अटैच करते जाएंगे। ये कंप्लीट होने के बाद मैंने सोचा इसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया है 3D कोन लाइनर और उसी से ही मैं इसको हाईलाइट करते जा रही हूँ। फाइनली ये कंप्लीट हो गया। एज अ फर्स्ट ट्राई ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप सबको ये कैसा लगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।